काम करते हैं। पीएम मोदी का दो दिनों का दौरा भारतीय नौसेना के लिए बहुत अहम है, क्योंकि पीएम मोदी के पेरिस पहुंचने से कुछ घंटों पहले ही डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय नौसेना के लिए 26 रफाल फाइटर जेट डील को मंजूरी दे दी। इनमें 22 सिंगल सीटर और ट्रेनिंग के लिए 4 डबल सीटर रफाल भी लिए जाएंगे। इसके साथ ही स्कॉर्पिन क्लास की 3 और सबमरीन लेने के फैसले को भी ओके कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस की यात्रा पर हैं और संभावना है कि इन सौदों की घोषणा वहीं से की जाएगी। भारतीय नौसेना को अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए फाइटर जेट्स चाहिए। रफाल पहले से ही भारतीय सेनाओं का आजमाया हुआ फाइटर जेट है। भारतीय वायुसेना 2020 से रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही है। नौसेना को भी स्कॉर्पियन क्लास की अतिरिक्त सबमरीन की बहुत जरूरत है। अगर ये समझौता हो गया तो संभव है कि इस सौदे की पहली सबमरीन अगले 3-4 साल में भारतीय नौसेना को मिल जाए। भारत फ्रांस की इस डील पर दुश्मनों की भी नजर है, क्योंकि अब भारत की जमीनी सीमा के साथ साथ समुद्री बॉर्डर पर भी लगातार रफाल की नजर रहेगी। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा और पेरिस से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पेरिस के बाद आपको पाकिस्तान की लेटेस्ट खबर दिखाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पहली बार हजारों लोगों के सामने भारत के बारे में सच कबूल किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पड़ोसी देश बहुत आगे बढ़ गया है। 90 के दशक तक पाकिस्तान मुकाबले में था और आज दोनों देशों के बीच कोई मुकाबला ही नहीं है, और इस तकलीफ की वजह से शहबाज शरीफ की रातों की नींद उड़ गई है। पीएम मोदी की पेरिस विजिट ने पाकिस्तान का दर्द कितना बढ़ा दिया है, शहबाज शरीफ के इस बयान से समझिए। क्या वजह है कि हमसाया ममालिक, और मैं एक दुखी दिल से आपसे बात कर रहा हूं कि हमसाया ममालिक जो हैं वो हमसे कहीं आगे चले गए, और वो जमाना था कि हम उनके साथ कंपटीशन में थे, मुकाबला करते थे। कल भी मैंने किसी जगह कहा कि टेक्सटाइल में पाकिस्तान 80 की दिहाई तक, 90 की दिहाई तक हम उनसे आगे थे। 90 की दिहाई में हमारी जो हमारा रुपया है इसकी कदर उनसे ज़्यादा थी। आज कोई मुकाबला नहीं है, और ये ऐसी ये तकलीफ है कि रात को भी नींद नहीं आती। सीधी तस्वीरें इस वक्त पेरिस से आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। तो 13 और 14 जुलाई को जो पीएम मोदी राजधानी पेरिस में होंगे, तो वो उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे जो रणनीतिक साझेदारी से जुड़ी हुई है। और देखिए, फ्रांस की धरती पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह से भव्य स्वागत किया गया। भारत का राष्ट्रगान हमने सुना, खास तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा इस बार कई मायनों में महत्वपूर्ण है। नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे दोनों देशों के रिश्ते, और वो कैसे उसके लिए सीधा मैं एक बार फिर से विशाल का रुख करूंगी, जो लगातार ग्राउंड जीरो से यानी कि फ्रांस से अब तक जानकारियां और खबरें पहुंचा रहे हैं। दर्शकों को बताइए विशाल, की क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है ये दौरा? पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस का दौरा कर चुके हैं, कई ओकेजन पर, कई मौकों पर कर चुके हैं, लेकिन इस बार क्या अलग है, क्या खास है? देखिए मल्लिका, क्योंकि इस बार जो यहाँ पर बेस्टल डे परेड का आयोजन हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। पिछले साल इसी कार्यक्रम में, बेस्टल डे परेड में, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रित किया गया था फ्रांस की तरफ से, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं, तो ये बेहद खास मौका पूरे देश के लिए होगा। और जब भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियां यहाँ पर परेड करती हुई दिखाई देंगी, ये भी अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण दृश्य यहां से पेरिस से दिखाई पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के जब दौरे पर हैं, उनकी मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति से होगी, द्विपक्षीय मुलाकात होगी, तो कई अहम समझौते दोनों देशों के बीच में होने हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, राफेल मरीन को लेकर डील पर मुहर लगेगी। इस मुलाकात के बाद इसका ऐलान होगा। लगभग 26 की संख्या में यहां पर राफेल मरीन खरीदने का जो प्लान है भारत सरकार का, वो पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रोन की मौजूदगी में इसका ऐलान किया जाएगा, और इसके अलावा
अलावा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई अहम समझौते होने हैं जिसकी ज्यादा जानकारी अभी आना बाकी है। जैसा कि आपने बताया 25 साल रणनीतिक साझेदारी के पूरे हुए हैं। 1998 में भारत और फ्रांस के बीच में रणनीतिक साझेदारी हुई थी। दोनों देश कई सेक्टर्स में, खासतौर पर जो डिफेंस का सेक्टर रहा है उसमें कई मुद्दों पर साथ मिलकर काम करते रहे हैं। न सिर्फ भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंध है बल्कि कई मामलों में त्रिस्तरीय भी संबंध यहाँ पर कहे जा सकते हैं, त्रिपक्षीय संबंध कहे जा सकते हैं। कुछ देशों के साथ मिलकर भारत और फ्रांस यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। और साथ ही अगर हम देखें तो भारत और फ्रांस दोनों ही देश आतंकवाद के मुद्दे पर लगातार निंदा करते रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर हैं, आज का अगर हम कार्यक्रम देखें तो आज के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात सीनेट के प्रेसिडेंट के साथ होनी है, फ्रांस की प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात होगी। और आज इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में प्राइवेट डिनर का आयोजन रखा है। और साथ ही मोदी आज मैं लौटूंगी आपके पास।